सो फाइनली 2 लाख रुपीज का चेक, पहली बार इतना बड़ा चेक भर रहा हूँ जिंदगी में। ये चीज है गेस्ट ऑफ ऑनर भोपाल रॉयल टैलेंट 2021। मच्छर काट रहा था भाई। एंड आई एम वेरी हैप्पी एडिडास। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी, लौट आया अपने नए एपिसोड के साथ। और आज फिलहाल फाइनली ड्रेस अप किया हुआ हूँ और बहुत ज्यादा मैस अप हो गया हूँ, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि यार आज भोपाल रॉयल टैलेंट नाम का एक टैलेंट शो था जिसमें मैं परफॉर्म नहीं एज अ जज गया था। मतलब ये काफी बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं एज अ परफॉर्मर जाता था, अब लोग इन्वाइट करने लगे एज अ जज, तो एक्चुअली एक बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, क्योंकि एज अ जज जाना वहाँ पे लाइक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करता हूं, तो ये भी किया है। बाकी ये टैलेंट शो कराया था ब्रिजेश मोहाबे एंड गौरव ठाकुर ने, तो भाई ये काफी अच्छी चीज कराई है भोपाल में, तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत सारे टैलेंट आए, बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिला और फाइनली जज करने का मौका मिला। यार मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता हूं, तो आर्ट के वे में मुझे जितना समझ में आया मैंने जज किया, बट ये है कि कहीं ना कहीं जज से भी गलती हो जाती है, हम भी ह्यूमंस हैं। तो डेफिनेटली जितने लोग आए थे आज के शो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इसी तरीके से अपने आप को ग्रूम करते रहो। बाकी एक चीज जरूर मिली है मुझे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये चीज है गेस्ट ऑफ ऑनर भोपाल रॉयल टैलेंट 2021, एंड ये एक तरीके से गेस्ट ऑफ ऑनर है मेरे लिए कि आप यहाँ आए एज अ जज, तो भाई ये अपने कलेक्शन में शामिल होने वाला है। और कुछ दिन बाद जब पूरी घर की व्यवस्था सुधर जाएगी तब मैं डेफिनेटली एक शेल्फ बनाने वाला हूँ जहाँ पे ये सारी ट्रॉफीज नजर आने वाली है, सो ट्यून इन रहो। और बाकी भाई आज के ब्लॉग में क्या चीज खास होने वाली है ये तो आप लोगों को देखने को थोड़ी देर में मिल जाएगा, पूरा ब्लॉग ध्यान से देखो, मजा आने वाला है, सो स्टे ट्यून गाइस। आजा ये ले, अरे दूर मत फेंक, पास नहीं, मैं उसके लिए, अच्छा उसके लिए ले, वो भी खा गया है, ये ज्यादा हिल गया है ना, वो तो तेज है, वो लेपर्ड, हाँ लेपर्ड, नहीं ये ज्यादा, लेपर्ड ही नाम रख दो उसका, लियो, पर ये वाला ज्यादा अच्छा, सी नहीं डरता नहीं था ना, बिल्कुल छोटा वाइट वाला, ले ले यार, ये डर नहीं रहा था, ले जल्दी आ। 1 hour later। तो गाइस फिलहाल हम लोग एक कैफे आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ सैफ है जो भाई हमारे सब्सक्राइबर है, काफी टाइम से भाई ने 2-3 बार कमेंट भी किया था वीडियोस पे कि भाई मिलने आओ एक बार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिलके भाई का रिएक्शन लिया जाए, भाई को पूछा जाए कि कैसा लगा। तो भाई कैसा लग रहा है आज मिलके फाइनली, मतलब काफी टाइम था, काफी टाइम बाद मिले, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम से मैं देख के हैरान होगा कि एडी भाई यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं मैं चले जाता हूँ कई बार, कोई बुलाता है तो प्यार से तो चले आते हैं मिलने। और वैसे आप क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैनेजिंग वगैरह देख रहे हो? ओके। और बाकी अपना चैनल कब से देख रहे हो आप? आपका चैनल में तो 1 साल लगभग हो गया है। 1 साल हो गया है करीब, क्या बात है यार, बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए। ये क्या है? कॉर्न चीज सैंडविच, कॉर्न चीज सैंडविच है। और ये क्या है? क्लासिक फ्राइज। ओके, सो ये दोनों चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। अभ्युदय भाई और अभी भाई अपने साथ घूमने आ जाते हैं, अपन इनके साथ हमेशा ही। 2 hours later। हेलो गाइस, तो फाइनली आ गए हम लोग रन भोपाल रन के ऑफिस और यहाँ पे कुछ माहौल अलग है। अभी बढ़िया सी चाय पिलाई उन्होंने मुझे भाई ने, क्योंकि उनको पता है कि भाई चाय लवर है, अपन चाय के लिए कुछ भी कर जाते हैं, मतलब कुल मिला के फायदा उठाते हैं ये लोग चाय वालों को, स्पेशली एक चाय की डील और देते कि ये लो ये चाय भी पियो। तो भाई के साथ है नितिन भाई एंड एक और भाई हैं आप, मोहित भाई, क्या बात है। तो अब अपने लिए कुछ ये खास चीज़ लेके आए, बिकॉज अपन मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए थे इस एक्टिविटी में, और जिसमें भोपाल के काफ़ी ऑडियंस लाइक कितने लोग इन्वॉल्व हो गए थे? अराउंड 5-6 हज़ार। सारे ऑनलाइन आपके पास वोटिंग वगैरह ये सारी चीज़ आई थी राइट? क्या बात है, 5-6 हज़ार लोग। और अपने रिस्पॉन्स आया था अपने ब्लॉग का आया था क्या बात है, तो वहाँ से भी काफ़ी एंट्रीज हुई है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत साथ दिया एंड आई होप कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ और होती रहेंगी, तो सर कोऑर्डिनेट कर लेंगे हमसे। मच्छर काट रहा था भाई। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या बात है, पूरा प्रिंटेड बना क्या, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखो। राइट, सो ये मेरे स्टूडियो के लिए एक और चीज़ हो गई, स्टूडियो स्टूडियो में, एंड यहाँ पे एक और कुछ चीज़ है, ये है आपके लिए। अच्छा ये मेरे लिए, ये भी इन्हीं के लिए, ये भी इन्हीं के लिए, ये अपने स्टूडियो के लिए। लेट मी जस्ट सी इसके अंदर क्या है।
सो इस बैग को ओपन कर लेते हैं. इसके अंदर दो चीजें दिख रही है. वन इज टी शर्ट एंड द अदर वन इज अपर. ओके लेट मी जस्ट सी. ओके दो चीजें हैं, एक अपर एक टी शर्ट. ये भी आप लोग एंड सबसे पहले हम लोग टी शर्ट देख रहे हैं. रन गोपाल रन. मी वर्सेस मी क्या बात है. आर बी आर सामने लिखा हुआ है. वर्चुअल हेल्थ सीरीज क्योंकि ये वर्चुअली हुआ था सारी चीजें. एंड पीछे दिया हुआ है मी वर्सेस मी चैलेंज टू चेंज क्या बात है. तो काफी बढ़िया टी शर्ट है एंड अब हम इसको यूज करने वाले हैं. सो ऐसे ऐसे करके ऐसे मैजिक करना है. सो अभी तो लेकिन या इट लुक्स गुड. इट लुक्स रियली गुड. एडिडास क्या बात है. सो यहाँ पे एडिडास की ब्रांडिंग के साथ रन भोपाल रन की ब्रांडिंग भी दी हुई है. यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत ट्रैक सूट कहलाएगा ना. हाँ. ट्रैक सूट है एंड यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है रन भोपाल रन की एंड आई एम वेरी हैप्पी. एडिडास भाई मतलब ये पहनने के बाद अलग रिस्पेक्ट आएगी अपने लिए. लोग बोलेंगे भाई भले अपन कभी निकलते हैं हफ्ते में एक बार साइकिलिंग के लिए फिर भी लोग इज्जत से देखेंगे अपन को. चलो थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई रियली लव दिस. ये वापस दो मेरा. टुमारो. सो गाइस फाइनली हम लोग खड़े हुए हैं 10 नंबर और 11 नंबर के बीच में और यहाँ पे काफ़ी सारा खाना खाने आए थे. काफ़ी सारी चीज़ें हुई और भाई आए हुए हैं दिल्ली से. शशांक वंडरलस शशांक नाम से इनका चैनल है. शशांक इनका नाम है और भाई अपने सब्सक्राइबर हैं और भाई ने जस्ट अभी मेरे को एक गिफ्ट दिया है. मतलब दिल्ली से लेके आए हुई है भैया. एक्चुअली में बहुत भीड़ थे अपन आए थे यहाँ 25 को एंड ये ना जब मैं बुलंदशहर अपने से आया था तो मैं मेरे बैग में पड़ा था. अच्छा. एंड ये जब से ऐसी पड़ा भैया के इंतजार में भैया आएंगे तो आज से मौका मिला भैया के पास जाने का. एंड भाई हमने बहुत सी काफी बातचीत करी यहाँ बैठ के. हमारी गोप्रो की पार्टी बटन की पार्टी में जो भैया पे ड्यूटी आ रहा हम सब्सक्राइबर्स की तो काफी अच्छा सीन बना है. हमने रिकॉर्ड करा है सारा और ब्लॉग जल्दी आ रहा है मेरे चैनल पर. अगर आपने मेरे चैनल देखा तो देख लेना वंडरलस शशांक नाम से. बाकी भैया के फैन हो तो भैया की कैसे ब्लॉग मिस कर दोगे. काफी किस्से भी छूटे एंड काफी बात है. गड़े मुर्दे उखड़े हैं काफी काफी सारी बातें भी है. तो सारे वीडियो को आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इनके चैनल पे. बाकी ये फिलहाल इसके अंदर क्या है ये सरप्राइज है तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. तो आई वुड लाइक हर्षुल हर्षुल भाई हैं जो भाई के साथ हैं और यहाँ भाई के टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर रहे हैं. है तो घर वाले लेकिन फिर भी टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर रहे हैं. तो भाई आई वुड लाइक कि भाई आप इसे होल्ड करो थोड़ी देर के लिए. तो फिलहाल इसको खोलने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि क्या है क्या लेके आए हैं. बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि और मैं जितना हो सके अपने सब्सक्राइबर को सारी चीज़ें बताते ही रहता हूँ. मामला ओपन है. हाँ टोटल ओपन है. सब पता है उन लोगों को भाई ब्रेकअप से लेके लड़ाई से लेके सब पता है. इस रोड के भी अभी किससे चल रही थी. यहाँ पे कुछ प्लेइंग कार्ड्स हैं एंड इसलिए लगना पड़ा है मुझे क्योंकि किसी लिकर के ब्रांड का ये मतलब ये भाई ढूंढ के लाया बाकायदा पी इन्होंने दे दिए कि भाई पत्ते तुम खेलो तुम्हारे काम के. दो कार्ड्स हैं मेरे पास एंड किसी लिकर के ब्रांड के. सो आई कैन नॉट शो यू ऑन कैमरा राइट नाउ. एक्चुअली में ऐसा नहीं है भैया बदलाव कर रहा हूँ पीपा के नहीं है. एक्चुअली अपने ठेके हैं तो भाई समझ रहे हो ना प्रीमियम चीज है. सो यहाँ पे काफी अच्छे प्लेइंग कार्ड्स हैं जो अब मैं डेफिनेटली अपने शो में भी यूज करने वाला हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. आई रियली लव्ड इट एंड आई अप्रिशिएट इट. बाकी ये कि इसके साथ कुछ और भी चीज ले आते तो अच्छा रहता. समझ रहे हो तेज हो रहा है लेकिन काफी अच्छा लगा मुझे यार. थैंक यू सो मच फॉर दिस. मेरे लिए एक्चुअली ये चीज़ें मैटर तो करती हैं बट इससे ज़्यादा चीज़ वो मैटर करती है कि कोई अपन को चाहता है. तो भाई यहाँ पे आए भोपाल इनका मैसेज था कि भाई मिलना है मुझे आपसे. काफ़ी टाइम स्पेंड किया काफ़ी सारा डिनर किया एक तरीके से. स्नैक्स वगैरह तो इतने हो गए कि डिनर हो गया तो मज़ा बहुत आया. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. दिख ही नहीं रहा कुछ. गलत तो आ नहीं रहा. आया ये तूने क्या पीला पीला कर दिया. अबे बस इतना सही है क्या. अबे ये क्या ये कब फफूंद पा लियो. ये कब अवसीर है. कब अवसीर बनाए हो. चलाते यहाँ से निकलता धुआं धुआं निकलता ही नहीं है. पीला धुआं निकला जरा सा. ला दूसरा मैं जलाएगा. ला दूसरा ला दूसरा लेके आना अपन जलाएगा. ये
पीले करते हैं, पीला नहीं लाल जलाएंगे। अरे लाल एक ही है, नीला जलाएंगे फिर। नीला लाओ, ये भी लाओ, ये पकड़ो, ये है ना इस साइड। ओके सो फाइनली वी आर गोना लाइट अप दिस स्मोक बम। अरे यार दूर का निकल रहा है। अरे ये निकला ना, देख कितना सटीक निकला। राइट अबे स्लो मोशन वीडियो बनाओ, अबे स्लो मोशन वीडियो है। हां भाई खत्म खत्म खत्म। इसका भी सही पर फिर भी निकला इससे काम जूता कर दो। मोड़ा पीली जैकेट कर दी मारी नीली जैकेट को। सो फाइनली 2 लाख रुपीज़ का चेक, पहली बार इतना बड़ा चेक भर रहा हूँ जिंदगी में। और नाउ आई नीड टू साइन ओवर राइट। वन वीक लेटर तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं। ओला करी है कैब और मैं अभी मम्मी के साथ हूँ और हम लोग फिलहाल जा रहे हैं चूनापट्टी। तो वहाँ जाके कहाँ रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है, आज एक बहुत खास दिन है। तो क्या होने वाला है वो देखने के लिए ट्यून इन रहो। तो फाइनली हम लोग आ गए चूनापट्टी। तो कितनी एक्साइटेड हो आप? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मम्मी। सो गाइस अभी बज गए 2:30 और हम लोग आ गए थे यहाँ 12:30 बजे, लेकिन टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि लोन करवाना था। तो लोन करवाने के जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारा प्रोसेस होता है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और लाइक 2 घंटे उसमें एक्स्ट्रा लग गए। अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं तो कार देख लेते हैं, अपनी कार आ गई है, कार देख लेते हैं कैसी है क्या है, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन यार ये लोन के प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है कहीं भी रहो, तो कार लेने में कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत तो रहती है। तो चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। कैसा लग रहा है मम्मी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बेटी ने गिफ्ट करी मुझे गाड़ी। सही है। ओके थैंक यू मैम। तो गाइस फाइनली मैं हूँ अमन भाई के साथ और इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। और अभी हम टाटा वरेनियम चूनापट्टी ब्रांच पे जो नई खुली है, तो मतलब ये काफ़ी हम भी लकी साबित हुए इनके लिए और ये भी लकी साबित हुए हमारे लिए। तो फाइनली हमने रेड कार बुक की टाटा टियागो और बहुत जल्दी डिलीवर कराई और अमन भाई ने बहुत साथ दिया और सर जो अभी यहाँ है नहीं फिलहाल, सागर सर ने बहुत साथ दिया। और एक पीछे से बैक एंड में रोहित भाई जिनने हमें सजेस्ट किया कि वरेनियम आप यहाँ पे जाओ, तो रोहित भाई ने बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल एक्चुअली। और बाकी आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आने वाला है अभी। अब ये नई कार आ गई, अब कार से भी ब्लॉगिंग चालू करने वाला है अपन।